हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट एंड क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है आपकी 31, ठीक है, जो कि डिपेंड करती है रा के हुक को, है ना। हमने जो प्रारंभिक हुक पढ़े थे कि कहाँ पर रा का हुक लगाना होता है, शुरू में लगाना है, उसको किस तरह से पढ़ना है, उसी का एक स्टेप आगे है। 31st एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज आपकी हिंदी में दी हुई है, जिसको हमें शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए टाइम ज्यादा ना स्पेंड करते हुए हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, जहां पर की सारे वर्ड्स को आपको शॉर्ट हैंड में कैसे लिखा गया है ये बताया गया है। तो देखिए, फर्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज वर्ड है, और हाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि मैं हर एक्सरसाइज के बाद में डिक्टेशन भी देती हूँ उसी एक्सरसाइज की, ठीक है। डिक्टेशन देने का मोटिव ये होता है कि आप उसको प्रैक्टिस में ले पाए, आप उसको लिख पाए, प्लस रूल की प्रैक्टिस हो जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पूरी पूरी डिक्टेशन लिख लें, बट ये जरूरी है कि जितना बोला गया है कम से कम उसमें 50% तो मैनेज कीजिए। इससे आपको भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा वर्ड्स की ग्रिपिंग का, और आप भी उन चीजों के लिए रेगुलर हो जाएंगे कि हाँ इसको किस तरह से यूज करना है, ठीक है। एक्सरसाइज का डिक्टेशन सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, जिसमें कि आपका सारा कंसेप्ट रूल वाइज डिफाइन हो जाता है, क्योंकि आप उसको प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब आप उसको अभी देखिए, जब आप लिखने बैठते हैं तो प्रॉब्लम आती है कि कौन बोलेगा, कौन करेगा, किस तरह से स्पीड का मोड होगा। तो मैं आपका एक नॉर्मल फ्लो में बोलती हूँ, जिससे कि आप उसको मैनेज कर पाए, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होती है, तो इसलिए उसको डिफाइन करने के लिए, वर्ड्स को समझने के लिए एक नॉर्मल फ्लो एक्सरसाइज होती है, ठीक है। आप उसको 2 या 3 बार प्रैक्टिस में करके इजीली मैनेज कर सकते हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो वर्ड है आपका हिंदी का, वो है गर्व। तो जो गर्व शब्द है आपका, उसको आपने लिखना है, देखिए गर्व लिखा हुआ है, ओके, ये वर्ड है आपका। अब गर्व में रा कहाँ आ रहा है इसको समझिए, ठीक है। रा आ रहा है ग के बाद में, और पढ़ा कहाँ जाता है वो भी आपका व्यंजन के बाद में, तो गर्व, ठीक है। इस तरह से ही स्ट्रोक बनेगा आपका। इसके बाद देखिए नया नेक्स्ट जो शब्द है वो है आम्र। अब देखिए मुरा है ना, और आ इससे पहले आ रहा है। रूल क्या पढ़ा था आपने, अगर स्वर पहले आता है तो पहले स्वर पढ़ा जाएगा, उसके बाद व्यंजन पढ़ा जाएगा, फिर ये हुक या आंकड़ा पढ़ा जाएगा। तो देखिए ये म्र लिखा और ये आ गया, तो आ म्र, इस तरह से ये शब्द बनेगा। शब्दों में रूल्स को अच्छे से समझ के करेंगे तो कंफ्यूजन भी नहीं होगा, और रूल्स अपने आप रिकॉल हो जाएंगे, ठीक है। आपको उनको बैठ के रटना नहीं पड़ेगा कि यहां पर क्या करना है, इसको इस शब्द को किस तरह से बनाना है, ओके। फिर देखिए ऊपर, पर एक साथ साउंड दे रहे हैं ना, और ये आगे साउंड, तो ऊपर थर्ड प्लेस साउंड है, तो हमने इसको थर्ड प्लेस पे बना दिया। इसके बाद वर्ड है आपका चर्म, चर्म, चा के बाद आ रहा है और सिमिलर साउंड दे रहा है, इसलिए हमने इसको वहीं पर डिफाइन कर दिया है। चरस, अब देखिए चरस में जो शब्द आपका बना है वो अलग आ रहा है, चरस। ये जो रा है ये चा के साथ ना पढ़ा जाके सा की व्यंजन रेखा के साथ पढ़ा जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए च रस, ठीक है, इस तरह से आप लिखोगे चरस। पर्सन वर्ड है, ठीक है, तो देखिए पर स न, पर स न, इस तरह से आप इस शब्द को बनाएंगे, सा का व्रत बना हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रसन्न, इस तरह से। अब मुझे ये बताइए यहां पर रा का हुक आएगा या नहीं आएगा? ये दो शब्द आपको थोड़ा थोड़ा मिलते जुलते ही दिए गए हैं, क्या आप डिफाइन कर सकते हैं? तो देखिए यहां पर रा का हुक लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि प और र, प्र एक साथ पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, थीके? तो कैसे लिखा, प्रसन्न, ठीक है। दो बार आप ना बनाना है प्रसन्न, इसको यहाँ पे अनुस्वार भी दे सकते हो प्रसन्न, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट है देखिए प्रताप, यहां पर भी प्र सिमिलर साउंड आ रहा है, तो प्र
ता तो ता का हु भी बन जाएगा और साउंड आ जाएगी अगले व्यंजन के पहले फर्स्ट प्लेस पे, तो प्रताप। इसके बाद शब्द है आपका बर्तन, बर्तन, साउंड किसी पे भी नहीं है तो नॉर्मली बनेगा। नेक्स्ट है प्रदेश, 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 ठीक है। इसके बाद शब्द है आपका वर्धा, बाकी व्यंजन रेखा में बनता नहीं है, मूल में आपका बताया जा चुका है, इसी को थोड़ा लंबा खींचेंगे, ध, वर्धा, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है आपका प्रजा, प्रजा। इसके बाद देखिए चर्चा, तो चर एक साउंड दे रहा है, चा अलग साउंड दे रहा है, ये देखिए तो चर्चा, बाद वाले के बाद मात्रा आ रही है तो हमने जो साउंड लगाई है वो बाद वाले चा पर लगाई है, ठीक है, और उस व्यंजन के बाद आ रही है तो साउंड भी व्यंजन के बाद में लगाई है, ओके। अब देखिए शब्द है आपका प्रकट, प्रकट। नेक्स्ट है प्रकोप, प्रकोप, साउंड आ गई वहां पर। उसके बाद शब्द है आपका निरक्षर, ठीक है, निरक्षर, तो ये निर हो गया, ये क्षर हो गया, ठीक है, निरक्षर। साउंड यहां रखेंगे आप, इसका इधर नहीं रखेंगे, अगर इधर रखिए तो फिर वो कंफ्यूजिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद वर्ड है आपका गर्भवती, तो देखिए गर्भवती, ठीक है, गर्भवती। नेक्स्ट आपका वर्ड है करनाल, करनाल, इस तरह से बन जाएगा। का वर्ग में हमेशा नीचे की ओर रा का हुक लगता है, ला का जो लगता है वो ऊपर की ओर लगता है, ठीक है, करनाल हो गया आपका। नेक्स्ट वर्ड है आपका अप्रसन्न, साउंड पहले आ गई, तो देखिए प्रसन्न लिखा, ये साउंड लग गई अप्रसन्न, ओके। इसके बाद वर्ड है आपका दर्शन, दर्शन, ठीक, दर्शन। इसके बाद शब्द है अपरिचित, अपरिचित, ई की साउंड आ जाएगी आपकी इस जगह पे, अपरिचित, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चारु पात्र, अब चारु और पात्र, तो चारु में र अपनी साउंड दे रहा है तो चारु, ठीक है, पात्र, चारु पात्र, इस तरह से ये शब्द बना। इसके बाद आपका शब्द है निर्जोश, निर सेम साउंड आ रही तो निर जोश। फिर आपका शब्द आ रहा है पुरजोश, पुरजोश में क्या हुआ आपका प्र और जोश, तो पुर जोश, ठीक है, पुर जोश। नेक्स्ट वर्ड आया आपका इसमें गबरीला, तो इस तरह से आपके बनेंगे। फिर है चर्म सीमा, चर्म आपका ऑलरेडी वर्ड आ चुका है, इसी में शब्द यूज हुआ है सीमा, ठीक है, तो चर्म सीमा। सा की जो साउंड है वो अगले व्यंजन पे चली गई है और मां की साउंड अपनी ही जगह पर डिफाइन हो गई है, ओके। नेक्स्ट है आपका नौकर, नौकर, ठीक है, साउंड आ जाएगी आपकी। देन आपका वर्ड आ रहा है
पराक्रम, ठीक है। पराक्रम जो शब्द है आपका, इसमें परा में र अलग साउंड दे रहा है, ऊपर का आपने नोट ऑन कर लिया होगा। पराक्रम देखिए, अब यहाँ पे र अपनी साउंड दे रहा है, ये इधर आ रहा है, तो पराक्रम जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, हम ऐसे लिखेंगे पराक्रम, ये साउंड लगाई हमने और ये क्रम आ गया पराक्रम, ठीक है। क्यों हमने लिखा कि जब हमने इसको बोला तो हमने बोला पराक्रम, बहुत ज्यादा अलग नहीं आया, प्लस पूरा शब्द है, बीच में रा की व्यंजन रेखा आ रही है तो हम उसको समझ सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर इसका हुक फॉर्म यूज किया है, ठीक है। इसके बाद है आपका भ्रम, ठीक है। ये शब्द आपके कंप्लीट हो गए हैं, इसके बाद जो आपका स्टार्ट होगा वो है सेंटेंसेस, तो आप इसको एक बार देख लीजिए, नीचे का तो आपने देख ही लिया होगा। अब देखिए सेंटेंसेस में शब्द चिन्हों पे ध्यान दीजिएगा, शब्द चिन्ह जितना अच्छे से लिखेंगे उतना अच्छा है। शब्द है आपका जैसा करोगे, ठीक है, तो जैसा का आपका शब्द चिन्ह है जैसा करोगे वैसा, ये बार है हाँ, वैसा वैसा लाइन के ऊपर ए की साउंड के लिए, वैसा फल मिलेगा, तो जैसा ये पूर्ण विराम का साइन है, ओके। बचकर किधर भागोगे, तो बचकर बचकर किधर भागोगे, बचकर किधर भागोगे, ठीक है। इसके बाद जिधर भागोगे, जिधर का भी आपका सिंबल डिफाइन हो चुका है, तो जिधर तिधर ही के लिए आप ये वाला सर्किल प्रोनाउन में आपको बता चुकी हूं मैं, वही यूज होगा, तिधर ही मार पड़ेगी पड़ेगी, ओके। आपस में मिलकर रहना चाहिए, आपस का शब्द चिन्ह है आपका आपस में मिलकर रहना, आगे का हो जाएगा रहना चाहिए, बाद है बाहर बहुत देर तक, बाहर का भी शब्द चिन्ह है, बहुत का भी है और देर तक का भी, बाहर बहुत देर तक का भी शब्द चिन्ह है आपका, ठीक है। या बहुत दूर तक घूमना, खराब बात है, खराब कभी आपका शब्द चिन्ह बाहर खराब, खराब बात है वो सिर्फ शब्द चिन्ह ही है आपके, तो क्या है बाहर बहुत देर तक या बहुत दूर लाइन गार्ड तक घूमना खराब बात है, ठीक है।
नेक्स्ट है खेलने, खेलना क्रिया होता है, खेलने के पास पश्चात भी आपका क्या है शब्द चिन्ह, पश्चात तुमको, ठीक है। इधर उधर, इधर उधर ना घूमना चाहिए, ठीक है। घर पर अपने अपने का भी शब्द चिन्ह है आपका, अपने बाप के पास बैठकर पढ़ना चाहिए। वैसे तो क्रिया है आपका ये पढ़ना, पेस्तर तो, पेस्तर पा की व्यंजन रेखा को डबल कर दिया है और तो का साइन है, पेस्तर तो, ठीक है। ऊपर का इरेज कर रही हूं, पेस्तर तो तुम, ऐसा लाइन के ऊपर ऐसा नहीं करते थे, तो क्या हुआ आपका नहीं करते थे, ठीक है। धीरे धीरे, तो धीरे धीरे करते दूर, धीरे जब दो वर्ड एक साथ आते हैं तो इस तरह का एस लगाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, उस शब्द के बाद में जो रिपीट हो रहा है, तो धीरे धीरे रिपीट हो रहा है वर्ड, इसलिए हम उसको दो बार ना बनाकर वहीं पर एक एस का इस तरह से सिंबल बनाऊंगी। पंक्चुएशन साइंस बताऊंगी मैं आपको, वहां पर ये चीज भी एक्सप्लेन हो जाएगी, बट जैसे जैसे बीच में आते जाते हैं एक्सरसाइजेस के, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके जाती हूँ, ओके। तो देखिये, धीरे धीरे तुमको, आदत, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको शॉर्ट हैंड में किस तरह से लिखनी है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अभी मैं आपको इस एक्सरसाइज की डिक्टेशन दूंगी, एकदम नॉर्मल वर्ड्स में डिक्टेशन होगी, ताकि आप एक्सरसाइज को प्रैक्टिस में लेने के बाद में डिक्टेशन सेक्शन पे अपना हाथ क्लियर कर सकें, ठीक है। तो स्टार्ट बोलने के बाद में मैं डिक्टेशन को शुरू करूंगी, ओके। देखिए स्टार्ट, गर्व, आम्र, ऊपर, चर्म, चरस, पर्सन, प्रसन्न, प्रताप, बर्तन, प्रदेश, वर्धा, प्रजा, चर्चा, प्रकट, प्रकोप, निर्झर, गर्भवती,
करनाल अप्रसन्न दर्शन अपरिचित चारु पात्र निर्जोश पुरजोश गवरीला चर्म सीमा नौकर पराक्रम भ्रम जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। बचकर किधर भागोगे जिधर भागोगे तिधर ही मार पड़ेगी। आपस में मिलकर रहना चाहिए। घर बाहर बहुत देर तक या बहुत दूर तक घूमना खराब बात है। खेलने के पश्चात तुमको इधर उधर न जाना चाहिए। घर पर अपने बाप के पास बैठकर पढ़ना चाहिए। बेशतर तो तुम ऐसा नहीं करते थे। धीरे धीरे तुमको आदत सुधारना चाहिए। कैसी रही आपकी डिक्टेशन? कुछ वर्ड बीच में जाना चाहिए की जगह घूमना चाहिए था, मैंने जाना चाहिए बोला है, बट कोई इशू नहीं, इजी ही वर्ड है, टफ नहीं है वो, आप बना सकते हैं। तो डिक्टेशन सेक्शन का आप 2-3 बार प्रैक्टिस में लीजिएगा, पहले एक्सरसाइज प्रैक्टिस में लिया कीजिए, ठीक है। जब एक्सरसाइज आपकी आपके हाथ में सेट हो जाए उसके बाद में आप डिक्टेशन को कीजिए। क्या होता है, आप एकदम से एक्सरसाइज लिखोगे। मैं तो डिक्टेशन इसलिए साथ में देती हूँ कि फर्दर आपको कभी भी अगर उस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है तो आप उस एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियो ओपन करेंगे, लास्ट सेक्शन में डिक्टेशन ऐड होती है, ओके। आप वहां से इसको प्रैक्टिस में ले सकते हैं। पर अगर आप बगैर प्रैक्टिस किए हुए, बगैर किसी तरह की प्रैक्टिस किए हुए आप सीधे सीधे डिक्टेशन लिखने लग जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम ये होगी कि आपका हाथ ही नहीं चलेगा, ठीक है। 3 बार, ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ आपको एक्सरसाइज किस तरह से प्रैक्टिस में लेनी है। पहले आप धीरे धीरे लिखिए उन वर्ड्स को, फिर आप सेकेंड टाइम उससे तेज और थर्ड टाइम उससे तेज लिखिए, ठीक है। इतना ही लिखने से आपको एक्सरसाइज के रूल्स क्लियर हो जाएंगे, वर्ड्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो इस कंसेप्ट से आप उसको प्रैक्टिस में लेंगे। आफ्टर दैट, प्रैक्टिस में लेने के बाद में आप डिक्टेशन सेक्शन को मैनेज करेंगे, ठीक है। डिक्टेशन सेक्शन मैनेज करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपको लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और डिक्टेशन मस्ट होती है, ठीक है। रूल्स शॉर्ट हैंड में आपको शॉर्ट हैंड सिखाने के लिए होते हैं, बट डिक्टेशन आपको, डिक्टेशन अगर आप नहीं लिखेंगे तो स्पीड भी मेंटेन नहीं हो पाती। इसलिए डिक्टेशन सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मस्ट होता है वो एक्सरसाइज का, ठीक है। तो कीप कंटिन्यू, आप डिक्टेशन कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन आता है, आप कमेंट कीजिए, मैं उसको रिजोल्व करूंगी। अभी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है उसके लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू।